बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम अलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को वेलकम करती हूँ। बहुत सारी दुआएं हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हमेशा खुश रखे, खुश रहें, हेल्दी रहें, आमीन। फ्रेंड, हेल्दी रहेंगे तो हम अपने काम खुद कर सकेंगे और अपनी मामा बाबा का ख्याल रख सकेंगे। तो खुद भी हेल्दी रहें और अपने मामा बाबा को भी हेल्दी रखने के लिए उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल करें और उनसे प्यारी प्यारी सी दुआएं लें। अपने लिए भी और हमारी फैमिली के लिए भी ज़रूर दुआ करवा लीजिएगा। ये थी बहुत सारी दुआएं और बातें। तो फ्रेंड, आज की वीडियो हम लेकर तो आए हैं कुरेशिये की। ये कुरेशिये से बहुत बारीक सा हमारा नाजुक सा एक कुरेशिया होता है और बहुत ही नाजुक सा एक रेशम का थ्रेड होता है। ये बहुत बारीक और रेशम जैसा होता है। ये वैसे रेशम जो होता है ये पक्का धागा होता है। इस धागे के बहुत सारे नाम हैं। आप अपनी पसंद के धागा थ्रेड लेकर ये डिज़ाइनिंग बनवा सकते हैं। ये दुपट्टों पर खूबसूरत लगती है, आस्तीनों पर, ट्राउज़र के पैंटों पर, स्लीव्स पर, नेक डिज़ाइनिंग पर। सबसे बेस्ट इसको दुपट्टे और जो हमारे मैट होते हैं उनके इर्द गिर्द, जैसे कि एक ये मैट दिखाया जा रहा है और ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी सी लेसेस बनी हुई होती हैं। ये हमारी जो माहिर लेडीज़ हैं, ये हमारे बहुत सारे ममालिक में जो हमारी बड़ी लेडीज़ हैं वो इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर हैं और वो उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, उनकी हौसला अफज़ाई करती हूँ कि इतनी मेहनत और इतनी महारत वाले काम। देखिए, एक धागा ऊपर किस तरीके से कितनी फिनिशिंग के साथ लगाया जाता है और कहीं भी इसका थ्रेड या कहीं दूसरी साइड आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, इसी थ्रेड में छोटी छोटी बो इस तरीके की बनाई है कि मालूम हो रहा कि रिबिन की छोटी छोटी बो बनाकर अटैच की गई हो। फ्रेंड, ये जो आपको रेशम की बो बनाकर लगी हुई दिखाई गई है, ये प्यारी प्यारी लेसिस में कितनी हसीन हसीन, ये देखिए कितने प्यारे नाजुक नाजुक फ्लावर हैं और ये रेशम से बनाए गए हैं। तो फ्रेंड, ये अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फ्रेंड, ये जो मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ, छोटी छोटी सी हम दुपट्टे के पल्लू पर चारों तरफ हम बहुत सारी चीज़ों पर बना सकते हैं। ये हमारे स्टॉलर हैं या स्कार्फ हैं जो फैब्रिक के हैं, उस पर हम ये फोर तरफ बना सकते हैं। जब हम इस तरह की डिज़ाइनिंग, देखिए जैसे हमारे टसल हो, कितने खूबसूरत खूबसूरत गोल रिंग फ्लावर के डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी प्यारी सी है। ये इतना प्यारा सा कोई स्टिच है, मुझे इसका सही से नाम नहीं मालूम तो इसलिए मैं इसको लैस का ही नाम ले रही हूँ। तो फ्रेंड, ये काम हमने सीखा भी नहीं है और मुझे आता भी नहीं है, क्योंकि हमने जब हम छोटे हुआ करते थे उस दौर में इस तरह की फिनिशिंग के डिज़ाइन नहीं हुआ करते थे। ऊन और क्रेशे के धागे के इस तरह की डिज़ाइनिंग, धागे की
बनाई जाती थी छोटी छोटी, जो कि वो हमें आती है। वो इतनी फिनिशिंग वाली नहीं होती जैसा कि ये रेशम से बनाई गई है। रेशम की और प्यारी और ख़ूबसूरत जो डिज़ाइन आपके लिए हम आइडियाज़ वीडियो लेकर आए हैं। इसी तरह ये देखिएगा, पूरी डिज़ाइनिंग से जाल नुमा फ्लावर ऐड कर कर हम कोई शर्ट भी बना सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं और इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये डिज़ाइनिंग आप करें अपने दुपट्टे के साथ, इस डॉलर के साथ। फ्रेंड, रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो चुका है, कल पहला रोज़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान के रोज़े रखना, इबादत करना, नेक काम करना, नेकी करना, तो इतना प्यारा महीना आया। इस महीने में आप जो कुछ अपने रब से मांगेंगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। हमारा रब तो यही कहता है और हमेशा से यही सुना है कि है कोई मांगने वाला, उसे मैं अता करूं। तो रमज़ान का वो महीना है, वो दिन और रात है इबादत के, कि हम जितना चाहें रब से मांगें, अपनी मगफरत मांगें, अपनी ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहतियाबी और लंबी उम्र की दुआ मांगी जाए, तो वो तमाम दुआएं पूरी हो जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिज़क अता किया जाता। हम जितना चाहें रिज़्क मांगें, अपने कारोबार में बरकत के लिए दुआ करें, हम जो काम कर रहे हैं उसमें मज़ीद बेहतर से बेहतर तरक्की मांगते हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हमें जो भी काम हम कर रहे हैं इसमें हमारी प्रमोशन हो और हमें दौलत से, औलाद से माला माल कर दे। औलाद बहुत बड़ी दौलत है और बहुत बड़ी रहमत और नेमत है। तो बेटियां रहमत हैं और बेटे नेमत, तो दोनों चीज़ें अपने रब से मांगते रहते हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उन सब को औलाद जैसी दौलत से माला माल कर दे, किसी को भी बे औलाद ना रखे। दुआ सबके लिए है, रोज़ों में दुआएं सबकी पूरी हो जाएंगी। कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर के लिए भी, अपने लिए भी, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप और अपने ससुराल सास ससुर सबकी, यानी कि जो हमारे हस्बैंड की वालदा है, वालिद है और उनकी बहनें हैं, सिस्टर हैं, हमारी सिस्टर हैं, सबके लिए